हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचुरल केयर विथ होम रेमेडीज़। घर के कामकाज में अक्सर महिलाओं के हाथ पानी में रहते हैं और विंटर्स में पानी में रहने के कारण हाथ एकदम फट जाते हैं और रूखे होने लगते हैं। हाथों का फटना और ये हाथों में ऐसे दाग पड़ जाते हैं जिसकी वजह से हमारे हाथ बहुत गंदे लगते हैं। आज हम उसी के लिए एक रेमेडी लेके आई हूँ जिससे आपके हाथ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और अगर आपके कोई संटैन है हाथ पैर में वो भी ठीक हो जाए। रेमेडी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए चावल का आटा। चावल का आटा आपको 2 चम्मच लेना है और उसमें आपको ऐड करना है 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो आप घर में यूज़ करते हो खाने में, वही सोडा डालना है आपको। सोडा में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो आपके स्किन के कालेपन को दूर करके आपके स्किन को ब्राइट और लाइट बनाता है। उसके बाद आपको ऐड करना है कॉलगेट टूथपेस्ट। टूथपेस्ट ये कॉलगेट है जिसमें कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी स्किन को निखारने में मदद करती हैं। उसके बाद आपको इसमें ऐड करना है एक और चीज़, वो है लेमन। हाफ लेमन आपको इसमें निचोड़ना है और इसको अच्छे से कर देना है मिक्स। लेमन भी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। लेमन में लिट्रिक एसिड होता है जो हमारे स्किन को जो मैल मिट्टी होती है उसे साफ़ करके चमकदार बनाता है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट को आपको कर लेना है अच्छे से मिक्स। देखिए इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से मिक्स हो गया है। अब आपको अपने स्किन पे अप्लाई करना है। स्किन को पहले अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद इस तरीके से अपने स्किन में अच्छे से लगा लें। इसको आपको 10 मिनट्स लगा के ऐसे ही रखना है। उसके बाद स्क्रब करके आपको इसे धो देना है। देखिए इस तरीके से आपको अच्छे से पतला पतला लेप लगाना है। आप इसे हाथ पे पैर पे ही इस्तेमाल करें, इसको आपको फेस पे नहीं इस्तेमाल करना है। ये आपके हाथ पैर या फिर घुटना एल्बो के कालेपन को दूर करेगा। इसको याद रखें, आपको इसको फेस में इस्तेमाल नहीं करना है। ये ओनली आपके फुट और हैंड के लिए है। इस तरीके से आपको लगा के इसको छोड़ देना है 10 मिनट्स तक। 10 मिनट्स के बाद आपको इसको स्क्रब करना है। ये देखिए 10 मिनट्स तक इसको ऐसे छोड़ देना है। 10 मिनट्स हो गए हैं, उसके बाद आपको इस तरीके से स्क्रब करना है। 2 से 3 मिनट स्क्रब करोगे उसके बाद आपको वॉश कर देना है। ये देखिए आपके हाथ इतने अच्छे हो जाएंगे, बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, कोमल हो जाएंगे। इसे आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर आपके हाथ पैर में अगर ज़्यादा सनटैन हो गया है तो इसको आप हफ्ते में 2 बार ज़रूर ट्राई करें। इससे आपके हाथ बहुत सुंदर और कोमल हो जाएंगे। ये थी मेरी आज की रेमेडी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।